बुलंदशहर के सांसद और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह का जनपद में जिस तरह विकास को लेकर विरोध चल रहा है, उससे लगता है कि सांसद की राहें आसान नहीं है। बुलंदशहर लोकसभा सीट पर जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में है। जनपद में कई गांव में सांसद का विरोध होता देखा गया है और चांदोक में तो सांसद की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए हैं और ग्रामीणों पर इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया। यदि खालोर गांव की सड़क की बात करें तो नजारा अलग है। सड़क ही नाले में तब्दील हो गई है, जिसे लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सांसद के खिलाफ देखने को मिला। किसी जिम्मेदार मान नहीं है। भोला सिंह को मान रहे, जो भी मरना मंत्री उसको मान रहे, जो भी विधायक है। और सर एक बात मैं भी कहनी चाह रहा हूँ कि माननीय मोदी जी तो ये कहते हैं कि भारत स्वच्छ अभियान लाओ, गंगा को स्वच्छ बना रहे हैं, रोड़ों को बना रहे हैं, और मोदी और ये तुम्हारे डीएम साहब रोजाना रोड झाड़ू लगवा रहे हैं, और हमारे यहाँ आज तक मतलब स्वच्छता अभियान का हमारा तो नरक का अभियान हो गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और आज तक मतलब सारे बीमार हैं, पानी पीने को नहीं है। नल में पानी की छवि को इन नेताओं ने, इन भोला सिंह ने मतलब धूलि में मिला दिया है। हमारा तो जीना हराम है। कहीं खालोर में सड़क के जल भराव को लेकर कितना आक्रोश दिखाई दे रहा है सांसद भोला सिंह के खिलाफ। क्यों नारेबाजी कर रहे हैं भोला सिंह के खिलाफ सांसद जी के? बहुत परेशान। डॉक्टर भोला ने कोई काम नहीं किया है। 5 साल पहले वादा किया था कि मुझे वोट दो और मैं सांसद बन पाऊंगा, और इलेक्शन जिता दिया भारी मतों से। आए ना 5 साल से जिले का सबसे बड़ा जगह में नहीं आए, और जिसमें 3 बार मैं घर चले गए, उनके घर मुझसे बात भी नहीं करी, फोन ना उठावे। और अब जब इलेक्शन आया, अब 3-4 बार फोन आए गए ना भाई, रिंकू ठेकेदार कोई प्रोग्राम कराओ। अब कहे प्रोग्राम करा है भाई, अब वोट मांगने आएंगे संजय जी आपके पास? वोट मांगने आएंगे, वोट नहीं मिलेगी। पहले तो पहले सड़क चाहिए, उसके बाद में वोट है। आप देख सकते हैं ग्रामीणों की प्रतिक्रिया क्या आ रही है संसद के खिलाफ, कैसा आक्रोश हो रहा है इनके खिलाफ, संसद के खिलाफ। आप देख सकते हैं सड़क को लेकर सुल्तान अंसारी, चेयरमैन न्यूज, जहांगीराबाद, बुलंदशहर। गाँव में नहीं आया है। 5 वर्ष पहले जब वोट मांगने आए थे तो सबसे पहले सांसद ने हमने यही मांग रखी थी कि हमारे गांव की ये सड़क जो 10 गांव से जुड़ती है ये बन जानी चाहिए। तो डॉक्टर भोला ये कहकर गए थे कि अगर मैं सांसद बना तो सबसे पहले ये आपकी रोड बनाऊंगा, लेकिन 5 साल से आज तक हमारी ये रोड नहीं बनाई है। हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं जब तक हमारी ये सड़क नहीं बनेगी, जब तक हम वोट नहीं डालेंगे। सड़क बनेगी तो वोट डालेंगे।